गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 11th में और आप सबका स्वागत है रॉयल एबीपीबी ग्रुप में। और जैसा कि आप जानते हैं, डेली हम लोग कुछ नया से नया करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमारे ग्रुप में एक से एक बढ़कर स्पीकर्स, लीडर्स मौजूद हैं जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है। तो ये नॉलेज का शेयरिंग का जो काम है वो हम लोग अभी आपस में कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है। और ये इस तरीके से मैं देख रहा हूँ, हमारी टीम डे टू डे सशक्त होती चली जा रही है। तो इसी सीक्वेंस में आज जो नंबर लगा है और हम पहुंच गए हैं बोधन, बोधन और आदिलाबाद। यहाँ से हमारे दो महारथी जिन लोगों ने एग्रीकल्चर में बहुत कमाल किया है, तो वो हम सबको ये सिखाएंगे कि भाई एग्रीकल्चर के जो हमारे प्रोडक्ट हैं, एग्री के एग्री 82, तो वो सब हम किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं और कैसे अपना काम जो है एग्री में भी आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हम अपनी और नई ऊंचाइयों को छू सके। तो आज इस सीक्वेंस में हमारे सामने दो लीडर्स हैं। नंबर वन मिस्टर वेंकटेश तपलवार, जो कि बोधन से बिलोंग करते हैं, एंड नंबर टू मिस्टर कन्हैयालाल गुप्ता, स्टार डायरेक्टर आदिलाबाद से करते हैं। तो ये आदिलाबाद और बोधन दोनों जगह तेलंगाना में आते हैं। तो दोस्तों, आज हम तेलंगाना से जुड़ चुके हैं, तो अब ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं अपना कंट्रोल हैंड ओवर करता हूँ वेंकटेश जी को। वेंकटेश जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, आप अभी अपना सेशन शुरू करिए प्लीज। हाँ ठीक है सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विस्टेजियंस। मैं तेपलवार वेंकटेश हूँ, मैं बोधन में रहने वाला हूँ। आज बात करेंगे, ये इंट्रोड्यूस, ये एग्रीकल्चर का मीटिंग है, एग्रीकल्चर मीटिंग। तो एग्रीकल्चर इज मेरा फैशन है, मैं बहुत चाहता हूँ ये एग्रीकल्चर करने के वास्ते। मैं पहले केमिकल कंपनी में काम करा था, इससे पहले 4 साल में काम करा, लेकिन वो शहद के लिए अच्छा नहीं बोल के मेरे को मालूम हो गया। मालूम होने के बाद मैं क्या करा बोले तो मैं वो छोड़ दिया। एग्रीकल्चर बहुत इंटरेस्ट है मुझे, इसलिए मैं क्या करा बोले तो वो केमिकल कंपनी वाले का सिंजेंटा बोल के कंपनी था, वो कंपनी में काम करते, वो कंपनी को छोड़ दे के मैं एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। और भारत का प्रधान एक्यूपेशन है कि प्रधान वृत्ति है खेती है, खेती ये मेन इम्पॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर के फैमिली से हूं मैं, इसलिए मेरा फैशन वही है। हेलो सर, एग्रीकल्चर में ही कल्चर है जी। वेंकटेश जी, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वेंकटेश जी, एक्चुअली आप कंटिन्यू रखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं अपना ऑडियो जो ये अपने आप को भी मैं म्यूट कर लेता हूँ, क्योंकि फिर दूसरे डिस्टर्बेंस नहीं आए। तो आपकी आवाज जब तक सही चल रही है तब तक हम नहीं बोल रहे हैं, तब तक ठीक चल रहा है। जैसे ही कुछ अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं वापस अनम्यूट होकर के आपको बोल दूंगा, राइट? ठीक है सर। ओके सर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय इंडियन का एक बहुत बड़ी एक कल्चर है कि ये एग्रीकल्चर है, इसलिए ये विस्टेज कंपनी से जुड़ा किसान भाई सब लोगों को जो विस्टेज कंपनी से जुड़ा है वही बहुत खुशकिस्मत है, उनको मेरा बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि ये कंपनी से जुड़ा तो ये नॉन टॉक्सिक है, इसमें जो प्रोडक्ट है वो एग्रीकल्चर से बहुत फायदा ले सकते हैं, इसलिए मैं खुश हो के ये कंपनी में ज्वाइन हुआ था। 1 साल हो गया मैं ज्वाइन होके, तो मेरे अपलाइन जो है प्रकाश जी और संजू जी है उनको ही बधाई देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे अच्छे कंपनी के साथ जुड़ा मैं और अच्छी मेरी खेती हो रही। मैं एक किसान हूँ इसलिए मेरा खेती ही अच्छा हो रहा है। तो इससे पहले जो खेती हो रहा था वो केमिकल में हो रहा था, अभी जो है ऑर्गेनिक खेती है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये कंपनी से जुड़ने के बाद मेरा खेती का जो है वो बदल गया। मेरा जो मैं प्रोडक्ट करना चाहता हूँ, मेरा एक 10 एकड़ का शुगर केन प्रोडक्ट करता हूँ मैं,
इसलिए उसमें ऑर्गेनिक करके और बहुत कुछ दुगनी फायदा हुआ मुझे। तो मैं ये बधाई देना चाहता हूँ विस्टेज कंपनी से जुड़ाई कौन जुड़ाए मैं उनको ये बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू विस्टेज। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इससे पहले जो एग्रीकल्चर का था, एग्रीकल्चर ही मेन था पहले, एग्रीकल्चर से जुड़े जो लोग है वो उनको इतनी प्रोडक्ट नहीं मिले थे। अभी ये विस्टेज का जो प्रोडक्ट है वो सही है। तो अमेरिका के माजी प्रेसिडेंट जो थे वो जॉर्ज वाशिंगटन बोल के थे, उन्होंने कहे थे कि एग्रीकल्चर इज मोस्ट हेल्पफुल एंड मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट नोबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन बोल के उन्होंने कहे थे। तो वाशिंगटन डीसी बोल के उनके नाम से एक राष्ट्र है, इसलिए उन्होंने प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहे थे कि इसलिए नोबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन बोल के हर एक आदमी को ये एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, इसलिए उन्होंने कहे। तो एग्रीकल्चर करने वाले के किसान भाई से जुड़े जो भी संबंधी है उनसे, जीव जंतु से संबंध और सारे नेचर के साथ संबंध है, कोई वो मजदूर है उनके साथ संबंध है, और ट्रैक्टर जो चलता है उनके साथ संबंध है, और जो एयर पोल्यूशन होता है वो किसान क्या कर सकता बोले तो एयर पोल्यूशन को रोक सकता है। वही किसान का एग्रीकल्चर इज दी बेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मैं बोलना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर इज बेस्ट एम्प्लॉयमेंट है वो। इसलिए हेलो फ्रेंड्स, भारत की माजी पीएम जो बोले थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि उन्होंने जय जवान जय किसान बोला, क्यों बोले कि उधर बॉर्डर में जो जवान कर सकता उसको बहुत तकलीफ है, इधर भी किसान को बहुत तकलीफ है, क्यों बोले तो उसमें बहुत भारी दिक्कत आती है। एग्रीकल्चर में बहुत पैशन रखना पड़ता है, पैशन रखे तो ही एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंड है, जैसे कि अब हम किसान लोग कॉटन जो प्रोडक्ट करते हैं वो कपड़ा बन जाता है, वही रिलेशन है। जो मिल वाला चलता है वो कॉटन से चलता है, जो शुगर केन प्रोडक्ट होता है वो शुगर बनता है, राइस मिल जो बिजनेस है तो राइस इससे प्रोडक्ट है, वो ऑयल मिल जो बनता है वो ऑयल भी एक एग्रीकल्चर ही प्रोडक्ट है। तो हम सब लोग जुड़े हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। स्टेज कंपनी ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो गौतम बालीजी सर ने ये करा है उनको मेरा बधाई करना चाहता हूं मैं, इसलिए गौतम बालीजी सर को धन्यवाद करना चाहता हूं मैं। और ये जो रिलेटेड बिजनेस है वो मिल्क प्रोडक्ट है समझो, वो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड है। जो फ्रूट है वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है, जो फ्लावर है एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। ये जमाने में आज बहुत मुश्किल चल रहा है वो है कि लॉकडाउन पीरियड है, अभी लॉकडाउन में हम कुछ भी नहीं मांग रहे, लेकिन हम लोग को दो वक्त की रोटी होना वो किन से मिलेगा, किसान से मिलेगा, वही बहुत अच्छा ये है एग्रीकल्चर है। हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, एग्रीकल्चर के इसमें क्या क्या जरूरत है, बहुत एग्रीकल्चर के साथ क्या क्या जरूरत है बोलते, एक सनलाइट जरूरत है, और सॉइल खेती की मिट्टी चाहिए, और एयर चाहिए, एयर बोले तो हवा, और वाटर चाहिए, वाटर बोले तो पानी। ये चार चीजों की हर एक किसान को या हर एक पौधों को जरूरत है। देखो भाइयों, आजकल क्या है, सनलाइट एक पोल्यूटेड नहीं है, वो भी अपने को फ्री में मिल रहा है, और ये जो सॉइल है वो सॉइल के बारे में कितना बोले तो कमी है, क्यों बोले तो सॉइल में ढेर सारा फर्टिलाइजर डाल के खेती का मिट्टी बहुत पोल्यूटेड हो गया। आज एयर का देखे तो भी एयर में बहुत ज्यादा फैक्ट्रियों की हवा चलने से और एयर पोल्यूट हो गया, जितने व्हीकल्स चल रहे वो हवा फेंक के अपने को
एयर का पोल्यूटेड भी हो गया। वाटर वाटर तो इतना बोलो कि आजकल फिल्टर पानी है तो अपन पी सक रहे, नहीं तो नहीं। जो अपन खेती में ढेर सारा यूरिया डाल रहे, पोटैश डाल रहे, जो कितने केमिकल यूज कर रहे, वो कोई केमिकल यूज करके वाटर में चले जा रहा, वो वाटर अपने पी नहीं सक रहे, इसलिए वाटर पोल्यूटेड है। जो प्लांट को अच्छी होना बोले तो एक फ्री आ रहा, वो नो पोल्यूटेड है, वो सनलाइट ही चाहिए। तो भाइयों, ये इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा बोले तो फर्टिलाइजर सब्सिडी में सब दुनिया भर में सब्सिडी दे के, लाइक यूरिया दे रहा, ये सब में सब्सिडी में मिल रहा। सब्सिडी मिलने के बाद किसान क्या कर रहे बोले तो कंटिन्यू ले जाके एक एकड़ में 10-10 थैला यूज करके सॉइल को पोल्यूटेड बना दे रहे। इसलिए उनको यूरिया डाले जब अच्छा दिख रहा, हरा भरा दिख रहा, लेकिन बाद में वो अपने को हानिकारक है, सब फसल को हानिकारक है। 40 साल के पीछे जाके देखे तो अपने को क्या है बोले तो नहीं, अब यूरिया मालूम था ना, कोई फर्टिलाइजर मालूम था ना, कोई पेस्टिसाइड मालूम था, जब सॉइल कंडीशन बहुत अच्छी थी। अभी सॉइल कंडीशन पीएच बैलेंस बोल के रहता, पीएच बैलेंस बोले तो जो खेत में जैसा अपने को आदमी बीपी सही रहना बोले तो 120/80 रहना, जैसा पीएच जमीन का टेस्टिंग रहता, वो जमीन में क्या है बोले तो पीएच बैलेंस अच्छा है तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अपन पौधे होंगे, प्लांट होंगे, उसके साथ अच्छा हेल्थली आ सकते, नहीं तो नहीं आ सकते। इसलिए अपन ये क्या कर रहे बोले तो यूरिया और पोटाश ज्यादा डालने के वास्ते डालते ही रह रहे, इसलिए क्या हो रहा बोले तो बहुत फर्टिलाइजर यूज करके अपन अपना खेती को अपन खराब कर रहे ले। इसलिए ये विस्टेज कंपनी के जो गाइडलाइंस है वो सब अपन यूज करें तो अपने कोई फर्टिलाइजर जरूरत नहीं। तो पौधों को क्या होना, ये पहले अपन सीख लेना कि पौधों को होना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसमें इसको क्या बोलते एनपीके। एनपीके फर्टिलाइजर में क्या है बोले तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन यानी यूरिया, पोटास यानी डायमोनियम फॉस्फेट, पोटास यानी पोटैश। तो ये होने के बाद ये फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या होना अपने को, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या होना बोले तो जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, क्लोरीन, और उसके साथ ही थोड़ा थोड़ा मात्रा में अपने को जरूरत है बोले तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, उसके साथ और कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटाशियम। ये सभी न्यूट्रिएंट्स अपने कंपनी में ऑलरेडी है, उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। फर्स्ट क्या है बोले तो प्लांट में कई नमूने की बीमारियां आ जाते हैं, बहुत नमूने के न्यूट्रिएंट्स कम होते जाते हैं। इसलिए क्या है बोले तो अपने को प्लांट में फंगल आता, बैक्टीरियल आता, वायरल आता, और किसान सब करने के बाद भी तूफान और बाढ़ आए तो नुकसान हो जाता। फंगल के साथ भी नुकसान हो सकता, बैक्टीरियल के साथ नुकसान हो सकता, वायरल डिसीज के साथ भी नुकसान हो सकता, और ये पोल्यूटेड हो गया। और इसके साथ ही प्लांट में चार स्टेज रहते, एक प्लांट अगर अच्छा अपन को होना बोले तो ये सब कंडीशंस, ये जो मैं बोले सो एनपीके, सीएमएस, ये सब रहे तो अच्छा आता। इसलिए क्या है बोले तो फर्स्ट प्लांट में सीड रहता, सीड के बाद सीडलिंग स्टेज आता, उसके बाद प्लांट स्टेज आता, प्लांट स्टेज के बाद रिप्रोडक्शन स्टेज आता, रिप्रोडक्शन स्टेज बोले तो फ्लावर, फ्रूटिंग, बाद में फ्रूटिंग स्टेज आता, बाद में अपने को फसल आ जाता। ये पांच स्टेजेस प्लांट में। तो प्लांट में प्रोडक्शन में अपना एग्री का प्रोडक्ट है एग्री प्रोटेक बोल के, और ये अग्री का बायोफंगिसाइड, इसलिए पहले बोलते थे, अभी कह के अग्री प्रोटेक्ट बोल रहे अपन, अग्री बायोफंगिसाइड पहले कहते थे। और दूसरा इसमें क्या है, न्यूट्रिशन है अपने, इसमें पोषण, पोषण के साथ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन और अग्री ह्यूमिक और नैनोटेक, अग्री मास और अग्री 82 और ह्यूमिक, इतने प्रोडक्ट अपने इसमें है। एक एक करके अपन
एग्री प्रोडक्ट के बारे में मालूमात करेंगे। हाँ नान दोस्तों, नैनोटेक के साथ अपन स्टार्ट करेंगे। नैनोटेक में एक नैनो टेक्नोलॉजी बोल के है, वो है इंजीनियरिंग में नैनो टेक्नोलॉजी यूज होता। हाँ यही है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है बोले तो, नैनो बोले तो एक छोटी चीज है, वो इंजीनियरिंग में यूज हो रहा, मेडिकल में यूज हो रहा और एग्रीकल्चर में भी यूज हो रहा। नैनो टेक्नोलॉजी बोले तो एक मिलीमीटर का हिस्सा 10 लाख का समान है। एक छोटी कण बोले तो ये नैनो है, इसलिए इसको नैनो बोलना है। फर्टिलाइजर में नैनो है और चिलेटेड फर्टिलाइजर है। चिलेटेड यानी थोड़ी सी मात्रा फर्टिलाइजर को करे तो वो चिलेटेड बन जाता। ये अग्री अग्री प्रोडक्ट जो है नैनोटेक, ये प्लांट में अपन डायरेक्ट यूज कर सकते। कैसे बोले तो, अपन एक बाजार को जाके एक टमाटर लाके डायरेक्ट अपन खा सकते क्या? नहीं खा सकते। तो क्यों नहीं खा सकते बोले तो, उसको काट के सब्जी बना के और मसाला डाल के खाए तो अपने को होता। जैसा ये नैनो टेक्नोलॉजी का नैनोटेक अग्री प्रोडक्ट जो है, अपने को पूरा मसालादार डाल के पका के रेडी करे सो है, वही चिलेटेड फर्टिलाइजर है। प्लांट को क्या होता है बोले तो, प्लांट को देने के साथ ही वो पूरा यूज कर लेता। पूरा यूज कर लेके नैनोटेक, जैसा अपन यूज कर रहे नोनी जैसा काम करता, वैसा नैनोटेक काम करता। ये नैनोटेक फोटोसिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म का काम करता है प्लांट में। ये नैनोटेक सॉइल ट्रीटमेंट के साथ कर सकते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट यानी सॉइल के पहले अपन बीज लगाने के पहले अपन क्या करना बोले तो, सॉइल में मिला के पूरा सॉइल को ट्रीटमेंट करने का, वही सॉइल ट्रीटमेंट बोलते हैं। और एक नमूने का है फार्म एड मैन्यूर। फार्म एड मैन्यूर यानी FYM बोलते हैं उसको। FYM बोले तो एक 100 किलो गोबर लेके उसमें अपना ये नैनोटेक का 1 किलो के मात्रा उसमें मिला के पूरा 1 एकड़ खेत में डाले तो जब ये सॉइल ट्रीटमेंट हो जाता है। यानी ये यूज करने के तरीका है, ये फार्म एड मैन्यूर में ये पहले तरीका है कि बाबा सॉइल ट्रीटमेंट करने का। ये सॉइल ट्रीटमेंट होने के बाद अपन बीज को सॉइल में बो सकते हैं, यानी कि इससे पहले अपन रेडी लैंड को रेडी कर रहे, इसका मतलब है कि सॉइल ट्रीटमेंट। तो अपन ये नैनोटेक तो मालूम हो गया कि, लेकिन अपन NPK जो है, अपन ज्यादा फर्टिलाइजर अपन यूज कर रहे ना, यूज करने के बाद वो क्या हो रहा बोले तो, जमीन में क्लोरीन के साथ ये हो के जमीन में क्या हो रहा बोलते, क्लोरीन के साथ रोटेट होके साल्ट बन जा रहा। साल्ट बनने के बाद वो साल्ट अपने पौधों के लिए, प्लांट के लिए कोई आवश्यक नहीं। वो आवश्यक नहीं है सो वो साल्ट और जमीन में पानी के साथ मिलके अपने पानी को पोल्यूट बना रहा। इसलिए अपना ये फर्स्ट ये फार्म मैन्यूर ने ये सॉइल ट्रीटमेंट करे तो डायरेक्ट पौधों को ये सॉइल के साथ ले सकता है। ये स्प्रे भी कर सकते फ्लावर के बाद, नहीं तो फ्लावर के 20 दिन के पहले, फ्लावर होने के 20 दिन के बाद भी कर सकते। एक 15 ग्राम 15 लीटर टैंक को स्प्रे कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, और दूसरा प्रोडक्ट है अग्री गोल्ड। ये अग्री गोल्ड में विस्टेज कंपनी का अग्री गोल्ड ये है, अमीनो एसिड्स है, पेप्टाइड है इसमें। ये क्या करता है बोले तो, पौधों को ग्रोथ प्रमोटर के जैसा रहता है। ये प्लांट फर्स्ट स्प्रे प्लांट में 3 लीव साइज कर सकते हैं।
और दूसरा स्प्रे फ्लावरिंग के 20 डेज पहले, फ्लावरिंग के 20 डेज के बाद, ये 100 ग्राम्स यूज करने का, ये 100 ग्राम यूज कर सकते, और 4 ईयर स्प्रे में 15 ग्राम टैंकी को 1 से 2 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। 15 लीटर पानी में गोल बना के ये दे सकते हैं। ये एग्री गोल्ड यानी ये क्या है बोले तो जर्मिनेशन के काम आता और मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करता है और मैजिक रिजल्ट आता है इसे, साइटोप्लाज्म इसमें रहता है, इसलिए ये बायो एक्टिवेटेड है। ओके फ्रेंड्स, अभी गोल्ड और अपना नैनोटेक के बारे में अपन जानकारी लिए है, अब जाएंगे अपन बायो फंगिसाइड यानी प्रोटेक। हेलो फ्रेंड्स, इसका कोई डिस्टरबेंस है क्या? एक बोल के बोल रहे नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी, फर्स्ट क्लास। ओके 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 सर, ये बायो फंगिसाइड या प्रोटेक के बारे में अपन बात करेंगे। प्लांट के फंगल और बैक्टीरियल और वायरल के तीन पत्तों के साथ तीन फंगल यानी प्लांट में फंगल तीन नमूने का होता है, एक फंगल, एक बैक्टीरियल, एक वायरल। ये बायो फंगिसाइड या प्रोटेक क्या है बोले तो एक माइसिलिया नाम का इसमें एक एच है, बैक्टीरिया चाहिए। ये बैक्टीरिया क्या करता बोले तो पहले एंटीबायोटिक का काम करता है। अपन बीज बोए तक सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सॉइल ट्रीटमेंट करने का तो इससे पहले मैं बताया फार्म यार्ड मैन्यूर में कर सकते हैं। ये सीड ट्रीटमेंट करने का है तो अगर 5 मिनट में अगर अपने को सीड बोने का है तो अपन क्या करने का, पहले ये सीड को बायो फंगिसाइड उसे लगा दे के वो बीज बो देने का। ये बीज बो देने का जो है वो 1 किलो सीड को 5 से 10 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। ये बायो फंगिसाइड का माइसिलिया स्पीड से ग्रोथ होता, प्लांट में फंगल के ऊपर फाइट करता। ये माइसिलिया नाम का एक अच्छा अपने को बैक्टीरिया, ये अपने को अच्छी करने का बैक्टीरिया है, इसलिए वो फुल यूज करके अपन कर सकते हैं। इसका प्लांट में फंगल होने के बाद 3 स्प्रे भी कर सकते हैं, 3 to 4 लीव्स प्लांट को आने के बाद एक बार कर सकते हैं, फ्लावरिंग के 20 दिन पहले भी कर सकते हैं और फ्लावरिंग के 20 दिन के बाद में बोले तो फ्रूट के स्टेज में भी कर सकते हैं। इससे 20 ग्राम्स पर 15 लीटर्स का स्प्रे कर सकते हैं। हेलो सर, यस सर, बोलिए। हाँ हाँ, मास के बारे में एक बोलना चाहता हूँ सर। ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में हो सकता, मैं पीपीटी वो मास का नहीं बनाया हो। ये
रिप्रोडक्टिव स्टेज में फ्लावर स्टेज में यूज करना है। इससे क्या होता बोले तो सेल डिवीजन हो सकता, फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं हो सकता। पहली स्प्रे 20 ml 15 लीटर के साथ कर सकते हैं। ओके सर, अभी हाँ जी, थैंक यू सो मच। ये चार प्रोडक्ट के बारे में मैं बताया जी, ये कोई डिस्टरबेंस हो गया बोल के बोल रहे इसलिए? नहीं, मेरे पास कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आया, आपका बिल्कुल परफेक्ट कंटिन्यूस बढ़िया आवाज आई और सब पूरा डिस्प्ले आपका जो पीपीटी जो आपने ये शो किया ये भी पूरा परफेक्टली। मैं तेलंगाना से हूँ सर, मेरा कोई थोड़ा हिंदी मैं स्पीड बात कर नहीं सकता हूँ इसलिए। अच्छा किया, अच्छा। सर हमें लगा ही नहीं कि आप तेलंगाना से, आपका ऐसा लगा कि बिल्कुल परफेक्ट आप हिंदी बोल रहे हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो थैंक यू सो मच। अब आप पे इस पे जो कमेंट्स होंगे वो हम लोग बाद में करेंगे, और फिलहाल मैं कन्हैया लाल जी हमारे साथ में भी हैं, हमारे आज के दूसरे मेंटर जो आज बताने वाले हैं एग्री के बारे में, तो उनको पहले मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कन्हैया लाल जी वंस अगेन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। वेंकटेश जी आप अपना पीपीटी एक बार, आप एक बार इसको वापस यहाँ बंद कर दीजिए तो। हाँ, बंद कर रहा हूँ सर। राइट, और जो है अभी कन्हैया लाल जी अपना कुछ सेट कर लेंगे सर। जी कन्हैया लाल जी, आप वैसे ही बोलेंगे या आपके साथ में भी कोई प्रेजेंटेशन है? सर है थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन। हाँ तो फटाफट उसे आप अटैच कर लीजिए, लगा दीजिए। सर सर कितना समय है सर अपने पास? समय आधा घंटा, हाफ एन आवर के आसपास। जी सर। 25 मिनट, 30 मिनट। राइट जी सर। जी सर। तो इन बिटवीन में बता दूं, जो वेंकटेश जी जो अभी अभी हमको बता रहे थे वो बोधन से बिलोंग करते हैं, तेलंगाना, और आप दूसरे पर्सन जो कन्हैया लाल जी हैं वो भी तेलंगाना से हैं। देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपकी पीपीटी यहाँ पे शो करने लगी है, और आप लेकिन आदिलाबाद से हैं जो कि आसपास में ही है, बहुत दूर नहीं है ये। तो कन्हैया लाल जी आपका सर, थैंक यू सर। यस सर जी। सर सबसे पहले मैं वेंकटेश सर का थैंक्स चाहता हूँ सर। जी जी, उन्होंने तेलुगु भाषा में न बोलकर हिंदी में बोलकर सर बहुत जबरदस्त बोले सर। अच्छा नॉलेज दिए सर जी, बढ़िया। मेरे को बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेंकटेश सर, वेंकटेश सर थैंक्स जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मैं कन्हैया लाल गुप्ता तेलंगाना स्टेट के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। आज मैं वेस्टीज के एग्रो प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जी। सबसे पहला प्रोडक्ट है अग्री 82। यस। सबसे पहला प्रोडक्ट है अग्री 82। इसमें 82 तत्वों का, ऑर्गेनिक तत्वों का मिश्रण है जो अपनी जमीन की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, फसल को बढ़ाने के लिए 83 तत्वों की जरूरत पड़ती है सर जी। वेस्टीज के अग्री 82 में 82 तत्वों का मिश्रण है जो जमीन के लिए और फसल के लिए बहुत उपयोगी है। अग्री 82 ट्रिपल एक्शन का काम करता है, ये स्प्रेडर है, एक्टिवेटर है, वेटर है। जैसे ही इसका स्प्रे फसल पर या जमीन पर किया जाए तो यह 10 मिनट के अंदर ही एक्टिवेट हो जाता है और यह तुरंत ही स्प्रेड हो जाता है, तुरंत ही फैल जाता है ये। और ये यदि फसल पर अगर इसका स्प्रे किया जाए तो यह पत्तों पर तुरंत ही वेटर का काम करता है। राइट। यदि जबकि केमिकल का जो भी आप किसान भाई जो प्रोडक्ट यूज करते हैं मार्केट का, उसको एक्टिवेट होने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं।
अपनी वेस्टिज कंपनी की दवा इतनी पावरफुल है कि 10 मिनट के अंदर ही वो अपना असर शुरू कर देती है। तो किसान भाइयों को अगर ये प्रोडक्ट हम लोग ऑफर करेंगे तो उनका कम से कम 25-30% खर्चा बचेगा और 25% प्रोडक्शन ज्यादा निकलेगा जी। और जिसके खेत में पानी की कमी होती है सर, उनके खेत में अगर ये उपयोग में लाया जाए तो पानी जैसा वो हर फसल में 4-5 बार लगाते हैं तो इसके उपयोग से 2-3 पानी में ही फसल का काम हो जाएगा। ये भी मतलब उनके पानी की भी बचत करता है। इसका उपयोग जनरली कीटनाशक में, यूरिया में, डीएपी में भी कर सकते हैं। यदि आपको यूरिया में मिलाकर करना है तो पर बैग 10 किलो निकालकर 70-100 ml अग्री IT2 उसमें मिलाकर जमीन में डालना है। यूरिया डीएपी में आप 10 किलो की बचत कर सकते हैं पर बैग। यदि कीटनाशक में मिलाना है तो 200 लीटर पानी में 100 ml अपना अग्री 82 मिलाकर आप स्प्रे करेंगे तो एक ही स्प्रे में कीटकों का नाश हो जाएगा और अपने को दूसरी बार स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर जी। तो इससे किसान भाइयों का अपना फायदा जबरदस्त होगा। इससे मैं और मेरी मिसेस अर्चना गुप्ता चले गए थे सर जी महाराष्ट्र में। हम दोनों चले गए थे खेत में जी। तो जैसे 2 साल बोलते हैं वहां पर 2 लाइनें बनी रहती फसल की, वहां पर महाराष्ट्र में बोकड़ा आ गया बोलते इसको, तेलुगु में मुड़ता आ गया बोलते, जैसे पत्ते उनके सिकुड़ जाते पूरे जी। तो हम दोनों वहां खेत में जाकर लाइव बिल्कुल दिए उनको, 10 ml 15 लीटर की टंकी में मिला दिए और 10 मिनट के अंदर ही सर वो पत्ता ऊपर से नीचे तक भीग गया जी, जिससे कीड़ों का नाश हो गया एक ही स्प्रे में जी। तो किसान भाई इतना खुश हो गया जब से वो अपनी दवा लेना शुरू कर दिया सर जी। तो ये ट्रिपल एक्शन का काम करता है सर, स्प्रेडर है, एक्टिवेटर है, वेटर है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट मार्केट की कोई कंपनी तैयार नहीं कर सकी सर जी। इसकी मात्रा केवल 15 लीटर के पानी की टंकी में 10 ml है और 200 लीटर पानी में ये 100 ml मिलाकर यूज कर सकते हैं सर। इसको यदि अपन भूमि उपचार करना है तो बीज लगाने के 4-5 दिन पहले 200 लीटर पानी में 500 ml अगर अपन स्प्रे कर दिया जाए भूमि पर जी। तो ये भूमि बिल्कुल सोइंग के लिए तैयार रहेगी सर। किसान भाइयों को पानी समय पर नहीं मिल पाता है सर फसल के लिए। एग्री 82 पानी की कमी को पूरा करता है और ये क्या करता है, जमीन की मिट्टी को नमी, जमीन की मिट्टी में नमी बनाए रखता है जी। जी सर, सेकंड वन है सर अग्री ह्यूमिक सर जी। अग्री ह्यूमिक में 2% फल्विक एसिड है, 2% ह्यूमिन एसिड है, 2% ह्यूमस है, जो फसल के लिए और जमीन की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत जरूरी है जी। किसान भाई जैसे ही पौधे पर 4-5 पत्ते आने के बाद उसको बढ़ाने के लिए मार्केट के केमिकल वाले स्प्रे बहुत कर देते हैं सर, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे माँ के दूध की आवश्यकता होती है, जो जरूरी है उसके बढ़ने के लिए, बच्चे को बढ़ने के लिए माँ के दूध की आवश्यकता होती है उसे जरूरी, जिससे उसकी ग्रोथिंग अच्छी होती है। लेकिन आजकल किसान भाइयों को सही नॉलेज नहीं रहने के कारण वो मार्केट के केमिकल के प्रोडक्ट का 2-3 स्प्रे कर देते हैं, जिससे वो झाड़ पौधा बढ़ तो जाता है लेकिन उसमें ताकत नहीं रह जाती है। तो अपना एग्री ह्यूमिक में पोषक तत्वों का भरपूर मिश्रण है, जितनी आवश्यकता है उतना ही इसके अंदर है, 2% फल्विक एसिड, 2% ह्यूमिन एसिड, 2% ह्यूमस है। मार्केट के प्रोडक्ट में 100% ह्यूमिक होता है लेकिन अपना प्रोडक्ट उनसे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है सर जी। जी इसका उपयोग करने से जमीन का पीएच लेवल बनाए रखता है, यदि 6-7% भूमि का पीएच लेवल रहेगा तो भूमि एकदम अच्छी रहेगी। तो अपना अग्री ह्यूमिक वेस्टिज का अग्री ह्यूमिक प्रोडक्ट पीएच लेवल को भी मेंटेन करके रखता है।
ये पौधों में इसके स्प्रे से मजबूती आती है, जड़ें मजबूत होती है, पौधों का विकास होता है। इसका स्प्रे पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं, फिर इसके 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद में सेकंड स्प्रे आप कर सकते हैं। ग्रोथिंग के लिए सेकंड स्प्रे आपको पौधे की जड़ों में देना है, जिससे कि जमीन को भी एक पोषक तत्व मिलेगा और झाड़ को भी पोषक तत्व मिलना शुरू हो जाएंगे, जिससे ग्रोथिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। जी, इसकी मात्रा 15 लीटर की पानी की टंकी में 30 ml है, 200 लीटर पानी में आप इसे 300 ml मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे भूमि उपचार और बीज उपचार भी किया जाता है। जी। 1 किलो बीज में यदि 5 ml अग्री ह्यूमिक मिलाकर सोइंग कर दी जाए तो 8 से 10 दिन के अंदर आपकी 99% ग्रोथ, ये जर्मिनेशन हो जाएगा। सर, एक गांव मैं और अर्चना गए थे, जब हम दोनों घाट पर जा रहे थे सर, साइड में खेत दिखाई दिया जहां पर लोग सोइंग कर रहे थे, तो हम लोग जाकर उसके कपास के बीजों का 3 बैग एक टोकरे में डालकर 5 ml 10 ml अग्री ह्यूमिक मिलाकर 15 मिनट उसको छांव में सुखा दिए और सोइंग करने लगा दिए सर। जी। 10वें दिन मैं और अर्चना उस खेत में गए, इसे सर मैं 10 दिन के बाद खेत में गए सर, 99% जर्मिनेशन हो गया सर। तो इसका रिजल्ट बहुत बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इसका। सिर्फ हमें अपने किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। कई किसान लोग अपनी फसल नहीं निकल पाने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं सर। जी। तो इन लोगों को सही नॉलेज देकर उनकी फसल में अपन बढ़ोतरी करना, प्रोडक्शन ज्यादा करने में मदद करना बहुत जरूरी है सर। जी जी। इसमें तीसरा प्रोडक्ट है सर अग्रिमास, जैसा अपने वेंकटेश भाई ने दिखाया, रिप्रोडक्टिव स्टेज का मतलब है जब किसी पौधे पर फूल आ जाते हैं, फ्लावर प्रोडक्शन हो जाता है, तो उसको रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में अग्रिमास का स्प्रे बहुत जरूरी है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण पौधे पर आए फल फूल सारे झड़ जाते हैं, जिससे इनके प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। अग्रिमास इतना जबरदस्त और परफेक्ट एकदम प्रोडक्ट है वेस्टीज का, इसके स्प्रे से झाड़ की ब्रांचेस भी बढ़ेगी, फूल ज्यादा आएंगे और फूलों को फलों में परिवर्तित करेगा। जी। इसका स्प्रे 2 बार करना है, फूल आने के 15 दिन पहले, फूल आने के 15 दिन बाद। इससे ब्रांचेस काफी मजबूत आएंगी पौधे पर। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है ये भी। 15 लीटर पानी की टंकी में 20 से 30 ml आपको मिलाना है। जी। 200 लीटर पानी में 250 ml भी अगर मिलाए तो इसका बहुत मिरेकल रिजल्ट आपको मिलेगा सर। बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। कम से कम 60 से 70 कपास के पौधे पर फूल और फल आना शुरू हो जाएंगे, जो कि झड़ने से बचाएगा अग्रिमास, और फूल का क्वालिटी, क्वांटिटी और शेप आएगा एकदम। क्वांटिटी ज्यादा आएगी, क्वालिटी अच्छी आएगी और इसमें साइज एक जैसा आएगा। अभी अभी आप इसका स्प्रे हर फसल में कर सकते हैं। अभी मार्केट में टमाटर मिल रहे हैं सर, 1 दिन या 2 दिन से ज्यादा हम उसको रख नहीं सक रहे सर। बिल्कुल नरम हो जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम काम नहीं आ रहे हैं। जी। अगर तीज का अग्रिमास अगर आप यूज करेंगे तो 8 दिन तक भी उसका शेप एज इट इज बना रहेगा और साइज भी ज्यादा बढ़ेगा। जी। हमें किसान भाइयों को ये नॉलेज देना जरूरी है कि इसका स्प्रे अपने हर फसल पर करा सकते हैं आप, हर फसल पर कराना है। चौथा प्रोडक्ट है अग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। ग्रैनुअल्स ये भी अग्री ह्यूमिक की तरह ही है सर। ये
अग्रिह्यूमिक और अग्रिग्रैनुअल से एक ही है, अग्रिह्यूमिक को हम स्प्रे कर सकते हैं, इसको हमें जमीन में देना है ग्रैनुअल्स को। ग्रैनुअल्स एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, इसका उपयोग फसल के विकास में किया जाता है। यूरिया और डीएपी के बैग में 5 किलो अगर ग्रैनुअल्स मिला दिया जाए तो बहुत ही मैजिक फसल में हो जाएगा। यदि आप धान की खेती में आपको एवरेज ज्यादा आएगा और इसकी बढ़ोतरी जल्दी होगी अपने धान के पौधे की। कोई भी फसल में आप यूज कर सकते हैं जिससे आपका पौधे का सर्वांगीण विकास होगा और जमीन उपजाऊ बनेगी, जिससे कि पानी में जमीन की मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बढ़ेगी, मिट्टी में अधिक दिनों तक नमी बनाए रखेगा, हवा का संग्रहण बराबर बनाए रखेगा। इसके यूज से भूमि की मिट्टी उपजाऊ बनेगी। सर आप इसका यूज 2 बार कर सकते हैं ग्रैनुअल्स का। सोइंग के 15 दिन बाद आप इसको जमीन में डाल सकते हैं और इसके 25 दिन बाद और एक बार आप इसका यूज कर सकते हैं, जिससे 2 बार यूज करने से अगले वर्ष के लिए भी आपकी जमीन की मिट्टी उपजाऊ बने रहेगी। वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट्स सिर्फ फसल निकलने तक ही काम नहीं करते हैं, अगली फसल के लिए भी जमीन की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं, जिससे कि अगली साल के फसल के लिए, अगले वर्ष के फसल के लिए आपका खर्चा कम से कम हो। इसीलिए वेस्टेज के एग्री प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत जरूरी है। सर मैं प्रतिभा मैडम और आपको दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ सर, कि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा, कि आप लोगों की वजह से ही हम वेस्टेज में ज्वाइन हुए हैं। मैं सर को दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ और सुनीता पीपलवा जी को भी दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ और मैनेजमेंट को भी बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। सर ऑफकोर्स मेरी डाउनलाइन को दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ, उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे सर। सब आप लोगों की बदौलत ही हम लोग ये स्टेज तक पहुंच सके हैं सर, दिल से मेरा थैंक्स है। और मैं सबसे पहले तो भगवान को थैंक्स कहना चाहता हूँ जी, अभी आपने बिल्कुल सही बोला उन्होंने हमें जन्म दिया और आप लोगों से मिलवाया सर, दिल से थैंक्स गॉड जी। थैंक यू कन्हैया लाल जी, आज ऐसा सोचना सिर्फ आपका है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। जो आपने आज बताया वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज आपने खुद अपनी मेहनत से इकट्ठी की है और एक न एक जरिया होता है जिस जरिए से जो है इंसान आगे बढ़ता है, तो हम उसके चैनल बने तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी टीम में है जी। तो अभी एक्चुअली क्या है कि आज आपका कुछ अभी बाकी है या कंप्लीट हो गया? हो गया सर, हो गया। तो देखिए क्या है कि एक बार मैं अनम्यूट वेंकटेश भाई को भी कर देता हूँ, तो दोनों का कंबाइंड, क्योंकि अभी क्या है कि आज जनरली हम लोग सेशन के बाद अपने कुछ ना कुछ कमेंट्स देते हैं, पर एक्चुअली आज आपको अगर सही बात बताएं तो ये जो आपने हमें इंफॉर्मेशन दी है ये हमारे लिए खुद के लिए, मतलब स्टूडेंट कभी टीचर को कमेंट कैसे देगा, तो सिर्फ वो यही कह सकता है सर बहुत अच्छा बताया, जैसा कि लगातार चैट बॉक्स में आपके बहुत अच्छे दोनों अप्रिसिएशन आ रहे हैं, ग्रेट सर, सुपर्ब सर, ये सब तरीके के मैसेज आ रहे हैं, वेंकटेश भाई के लिए भी आ रहे थे और आपके लिए भी। तो हम लोगों को आपसे और भी कुछ सीखना हो सकता है, तो आज हम करते हैं जिन लोग के कुछ क्वेश्चंस हैं या जो लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो उनके बारे में धीरे धीरे पहले मैं बोलता हूँ, फिर कुछ लोगों से बात करा दूंगा। तो सबसे पहले इसमें देख रहा हूं मैं, दर्श पंचाल जी भी बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं इस लाइन के लिए और वो भी इसमें लगे हुए हैं, तो मैं दर्श पंचाल जी को सबसे पहले अनम्यूट करने का ट्राई करता हूँ, एक मिनट। तो दर्श पंचाल जी आप अनम्यूट हो गए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं वेंकटेश जी और कन्हैया जी को थैंक्स बोलना चाहूंगा
कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत जबरदस्त नॉलेज दिया, तो मेरा भी कुछ रिवाइज हो गया जी। और कुछ कुछ पॉइंट उन्होंने जो बताए उसके अंदर जो मेरा मिस आउट था, जो मुझे नहीं पता था, वो मुझे यहाँ पर अच्छा लगा। और उसमें हाँ, उसमें मुझे ये वो वेंकटेश जी ने जो बताया कि लोग जो सब्सिडी मिलती है खाद के ऊपर, उसका जबरदस्त यूज करते हैं लोग, तो ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि फार्मर को ये नहीं पता कि वो सॉइल कितनी खराब हो रही है जी। तो ये पॉइंट सबको सोचने की बात है कि अगर कुछ मुफ्त में मिलता है तो उसका ज्यादा यूज करना ऐसा नहीं हो सकता है। और जो हमारी सॉइल है, वो सॉइल जिसको हम माँ बोलते हैं, वो खराब हो रही है जी। तो ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा जी। जी जी हाँ। और ये जो दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि नॉनी इज इक्वल टू नैनोटेक, मतलब जैसे नॉनी हमारे बॉडी पे काम करता है, वैसे नैनोटेक भी अपने क्रॉप के ऊपर काम करता है जी। हाँ, तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा जी। जी हाँ, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा था। थैंक्स टू वेंकटेश जी और कन्हैया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू दरस जी। और अभी एक और नाम आ रहा है, हैदराबाद से है वो, चंदा भूरा, तो वो चाह रहे हैं कुछ पूछना, तो आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं थोड़ी लेट ज्वाइन कर गई, सो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब मैंने जब से स्टार्ट किया सुनना, तब सर ने सिर्फ खेतों के बारे में बताया, और मुझे एक्चुअली ये जानना है कि जो हम घर पे प्लांट्स लगाते हैं गमलों में, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए और कैसे और कितनी क्वांटिटी में यूज करना चाहिए, क्योंकि घर में सब होते हैं, फ्लावर के होते हैं और कुछ हम लोग जैसे फ्रूट के भी लगाते हैं, छोटे छोटे पौधे डेकोरेशन के लगाते हैं, जैसे मनी प्लांट है या फिर और भी बहुत सारे हैं, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए। हेलो, बताइए कन्हैयालाल जी, बता दीजिए सर। 1 लीटर पानी में आपको 2 ml खाली एग्रीएटेड मिलाना है और 1 ml अपने को ह्यूमिक मिलाना है। अच्छा, एग्री एटीटू एंड सेकंड क्या सर? ह्यूमिक, ह्यूमिक, एग्री ह्यूमिक। हाँ हाँ, 1 ml अगर आप वो डाल देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये जो है वो जमीन में डालना है या उसपे स्प्रे करना है? नहीं, आप स्प्रे भी कर देंगे, एग्री 82 जमीन में ले जाएगा वो उसको दवा को। अच्छा, तो ये स्प्रेडर है, एक्टिवेटर है, वेटर है? 1 ml जी। ओके, 1 लीटर में। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। और कुछ नहीं सर, बस यही एक्चुअली हम लोग सब की हमारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि ये सब खेतों के लिए, हमें घर के लिए चाहिए। आप अगर पूछ रहे थे फ्रूट के झाड़ में अगर आपको डालना है, जड़ में देना पड़ेगा। अच्छा, नहीं नहीं, मतलब गमलों में ही डालना है ना? हाँ, गमलों में डालना है, लेकिन फ्रूट अगर रहा तो इसको क्या है, जड़ में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बाकी अगर आप मनी प्लांट है, बाकी दूसरे गुलाब के फूल है, उस पर आप झाड़ स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर जी। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू चंदा जी। और अभी यस, अभी हमारे बीच में श्वेता, श्वेता अग्रवाल जी हैं। एक्चुअली वो कुछ हमें चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो ट्रांसलेशन चाहते हैं इंग्लिश में इस प्रोग्राम का, तो कृपया प्लीज आप एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। श्वेता जी, आपको आवाज आ रही है? सर मुझे आ रही है, लेकिन आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ओके, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम। एक्चुअली मुझे ये जो पूरा नॉलेज था, जो भी, बहुत अच्छा लगा देख के और सुनकर, तो सर मुझे ये नॉलेज पूरे इंग्लिश ट्रांसलेशन में चाहिए, बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं,
एंड दे हैव अ फार्मिंग, तो वो मुझे बोले कि आप लोग आप मुझे शेयर करो, क्योंकि हम लोग भी इसको देखना चाहते हैं कि इंडिया में ये प्रोडक्ट इस तरह से क्या ग्रो अप कर रहा है जिससे हम भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सके. एक बार उनको अब इसका आंसर मेरे हिसाब से वेंकटेश जी आप बताइए, ऐसा हो सकता है इसका ट्रांसलेशन? हाँ इंग्लिश तो हो सकता है, मुझे तेलुगु आता है, तेलुगु में बता सकती हूँ. तेलुगु में ज्यादा कंफर्टेबल है. नहीं मैम सर, मुझे इसकी इंग्लिश रिकॉर्डिंग पूरी चाहिए एक्चुअली. तो मैं श्वेता जी ट्राई करूंगा, किसी और सोर्सेस से जरूर आपको ये मिल जाएगा. ऐसे जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में बना हुआ है इसका. मैम एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि वो लोग जो अगर अपने वहाँ पे फार्मर्स लोग को बताएंगे तो माइट बी दे आर नॉट सो एजुकेटेड. तो उन्होंने कहा कि अगर हम लोग को वॉइस ट्रांसलेशन मिलेंगे तो वी कैन ऑन द वीडियो और ऑडियो के थ्रू हम लोग उनको दिखा सकते हैं, तो ये बहुत इजी रहता है उनके साथ कन्वर्स करने के लिए. जी तो ये अभी एट प्रेजेंट तो फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि हमारे पास दो एक्सपर्ट अभी बैठे हैं, लेकिन जरूर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको जरूर भेज देंगे. ठीक है. या डेफिनेटली सर. या डेफिनेटली. ओके थैंक यू. तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो लोगों ने बोला था, और देख लेता हूँ किसी का और कोई है तो. फिलहाल अभी ऐसा है नहीं, लेकिन सच में आपकी नॉलेज जो आपने आज हम लोग को एग्री से रिलेटेड दी है वो जबरदस्त थी, और इसकी बहुत डिमांड भी थी हमारे यहाँ पे, अक्सर ही रहती है क्योंकि इस तरीके की ट्रेनिंग्स वगैरह लिमिटेड होती हैं और ज्यादा होती नहीं डिमांड. और ये जैसे एक ऐसा चीज है जो एक बार पकड़ ले, जैसे आप दो लोगों का जो कॉन्फिडेंस हमें दिखता है, तो आप जिस इस एरिया में काम कर रहे हो तो आप पूरा इसमें जुट गए और जबरदस्त काम कर रहे हैं. तो ऐसा ही मैं चाहता हूं बाकी लोग भी अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और एग्री के प्रोडक्ट्स में भी जाएं अंदर. तो एक और क्वेश्चन आ रहा है चैट बॉक्स में कि मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ रविंदर जी, तो आप पूछ ही लीजिए. ठीक है राइट. रविंदर जी पूछ रहे हैं क्वेश्चन. तो रविंदर जी गुड मॉर्निंग. हेलो हेलो रविंद्र जी, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? शायद वो अभी पास में नहीं है तो इसलिए बाद में देख लेंगे. अभी हमारे बीच में बहुत सारे लोग और हैं जो एक्सपर्ट हैं, एग्री के नहीं है लेकिन बाकी चीजों में भी हैं और एग्री में भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो इतना नहीं हूं. तो मैं बारी बारी से करता हूँ. एक जो आपने नाम लिया सुनीता जी का, तो सबसे पहले सुनीता पिपलवा जी का जरा पता कर लेते हैं. तो गुड मॉर्निंग सुनीता जी. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. जी गुड मॉर्निंग. बताइए आज का सेशन, आपकी टीम के लोग हैं दोनों बोधन और आपका आदिलाबाद, कैसा लगा? जी सर एकदम बढ़िया, एक्सलेंट था दोनों का सेशन. और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आज मेरे ग्रुप के लीडर्स जो एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, जैसे कि वेंकटेश जी ने बोला कि जय जवान जय किसान, तो आज हम देश के लिए भी हेल्प कर रहे हैं, हमारा भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा देश के लिए. तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका सेशन. और जैसे कि मैं बात कर रही थी आपसे कि बोधन से कोई भी लीडर तैयार नहीं हो रहा है मीटिंग के लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए, तो मैंने वेंकटेश जी से पूछा भी नहीं था कि आपका मीटिंग के लिए आपका नाम दे दूं क्या. तो कल डायरेक्टली मैंने उनको कॉल करके बोला कि सर मैंने आपका नाम दे दिया है वेंकटेश जी. तो उन्होंने बोला कि मैडम मैं तो अभी गांव में हूँ, अभी बोधन में नहीं, बोधन से 60 किलोमीटर दूरी पे वो कहां तो अभी छोटे से गांव में, वहां पे खेती का काम कर रहे थे. तो उन्होंने पहले बोला कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन आज रात में ही उनका मैसेज आ गया कि आई एम रेडी.
तो मैं गांव में ही रह के ये सेशन करूंगा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और हर एक चीज में अच्छे से करना, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उनका जो सिंपल रहना और उनकी सिंसियरिटी, ये बहुत अच्छी लगती है। आज उनके पास कोई चीज की कमी नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन आज उन्होंने वेस्टेज इसलिए ज्वाइन किया है कि उनकी वजह से हर जगह पे ऑर्गेनिक खेती हो एंड फार्मर्स लोगों को हेल्प करे। तो उनका टारगेट सिर्फ 10 एकड़ खेती पे नहीं, उन्होंने टारगेट किया है कि इस बार वो 1000 एकड़ खेती पे काम करेंगे। और उनके साथ एक ऐसे बिजनेस पार्टनर जुड़ गए हैं जो पूरा निजामाबाद, पूरा मोस्टली तेलंगाना कवर करेंगे ऑर्गेनिक खेती के लिए। तो हमें बहुत प्राउड फील होना चाहिए इस चीज के लिए। वेंकटेश जी, तो आज बोधन में जो एग्रीकल्चर का किसी का भी डाउट रहता है, इवन ओनली बोधन ही नहीं, आज मेरी दूसरी टीम जहाँ पे नांदेड़ है, आदिलाबाद है और बहुत सारी, जिनको भी क्यूरीज रहती है तो वो उनसे बात करते हैं और वो बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो ये मतलब सबका, सबको हेल्प करने का नेचर है उनका। जी जी जी। और कन्हैया लाल जी के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि आज वो वाइफ हस्बैंड दोनों इस बिजनेस में काम करे, स्टार डायरेक्टर लेवल पे है और उनका ड्रीम है एग्रीकल्चर पे काम करना, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एग्री में बहुत अच्छे से काम किया है और वो फील्ड वर्क उन्होंने जितना ज्यादा किया है शायद किसी ने नहीं किया होगा। मैंने भी उनके साथ एक दो खेत में गई हूँ, बहुत ही प्रॉब्लम के साथ, भयंकर तूफान बारिश में हम लोग गए थे, लाइफ में नहीं भूल पाऊंगी। 3 बार स्टेशन जाके वापस घर पे आके फिर से गए, लेकिन उस दिन हमने जरूर अटेंड किया था, तो वो भूल नहीं पाऊंगी, इतनी भयंकर तेज बारिश। सर 2 मिनट, सर 2 मिनट में बोलना चाहूंगा सर। हाँ बोलिए ना, बोलिए। सर उस दिन हम कुदरत से लड़ गए थे सर। अच्छा, बिल्कुल सही। कुदरत से हमारी लड़ाई हो गई थी जी, रेलवे स्टेशन जाकर वापस आ गए, पानी इतना धुआंदार था जी। तीसरी बार हम लोग हार नहीं, फिर गाड़ी से निकले मैं और मेरी मिसेज जी, सुनीता जी ऑटो से कर वापस चले गए, लेकिन फिर भी हम तीसरी बार हम सक्सेस हो गए जी। ट्रेन में जाकर वहां पर अपना डेमो देकर आ गए थे सर जी। तो समय पर हमें भगवान की परीक्षा भी लेते हैं सर, उसमें हमें सक्सेस होना है, बस संघर्ष करना है। देखिए आपका जो आपने बताया कि जिस तरीके से आपने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया कि आप एक बार गए थे वहां से लेके आए, उसके बाद आपने दोबारा से वो छिड़काव करके दोबारा से भी आप जब गए 15 दिन बाद, तो आप लगातार ये चीज तो ये रही है कि आप फील्ड में खूब घूमे, क्योंकि एग्री वालों को थोड़ा घूमना पड़ता है और शुरुआत में लोग विश्वास कम करते हैं, लेकिन जैसे ही फिर उनको रिजल्ट आने लगता है तो फिर एकदम से बहुत बढ़िया काम। और एक को भी रिजल्ट आप दिखा दीजिए गांव में, बाकी पूरा गांव उसके पीछे चलता है। यस सर जी, तो बहुत अच्छी बात है और आप लोग बहुत अच्छी चीज पे काम कर रहे हैं सच में। जो सुनीता जी ने बोला जय जवान जय किसान, तो आप लोग भी उतनी ही तारीफ के काबिल हैं, जिस हिसाब से जो हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े होकर के काम करते हैं। और आज भी अगर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है लॉकडाउन पीरियड में, तो हम लोग को खाना, ये सारी चीजें हमेशा से चाहिए, जो हमें अन्न अनाज और ये सारी चीजें हमें चाहिए, ये सब पैदा करने वाले जो हमारे वो भगवान से कम नहीं है जी। तो आप उस लाइन पे काम कर रहे हैं तो सच में बहुत बढ़िया काम है जी। सुनीता जी। जी सर, मैं आज जो सेशन हुआ इसके थ्रू मैं सबको मैसेज देना चाहती हूँ, सारी सबकी टीम में, रॉयल एबीपी ग्रुप में, कि सब लीडर के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है, तो वो अपनी क्वालिटीज को बाहर लाए और सबके सामने पेश करे, ताकि बाकी जो लोग थोड़ा सा यहाँ पे आने पे घबराते हैं तो वो लोग भी अपना एक, जैसे कि कल डॉली जी ने बोला कि एक डिसीजन हमारी लाइफ चेंज कर सकता है, तो यहाँ पे आके जिन्होंने हिम्मत करके बोल दिया, चाहे कैसा भी बोले, कुछ भी करे, कैसा भी प्रेजेंटेशन क्यों ना, यहाँ पे जिसने हिम्मत कर ली तो शायद उसकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो मैं सबको बहुत बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ एंड सबको सैल्यूट करती हूँ कि आज यहाँ पे जो लोग इतना अपना टाइम दे रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आज वेस्टेज बिजनेस में लॉकडाउन के टाइम पे भी इतना एजुकेशन ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे फ्यूचर के लिए उनका एक बहुत स्ट्रांग बेस तैयार हो रहा है, और जब ये स्ट्रांग नींव तैयार होगी तो ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा ड्रीम बिल्डिंग होगा। तो मैं सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सुनीता जी। और अब आपके बाद नंबर हम लगाते हैं और वो नो डाउटेडली मयंक जी, मयंक सोनी जी।
तो मयंक जी आपके विचार सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मैं एक बात कहता हूँ जो मैं अक्सर अपने ग्रुप में कहा था कि क्वारंटाइन चल रहा है, क्वारंटाइन में खूब गेम भी चल रहे हैं, लोग बोलते हैं चैलेंज एक्सेप्टेड। सर रियल क्वारंटाइन गेम्स जो हो रहा है ना वो आप और हम लोग कर रहे हैं, जो ऐसे लोग आके उसको एक्सेप्ट करते हैं। पर लैंग्वेज प्रॉब्लम जो व्यक्ति, आई थिंक आज वेंकटेश जी ने लाइफ में पहली बार एक घंटा हिंदी बोले होंगे सर, कंटिन्यू पहली बार, और वो भी मतलब सबके सामने आके बिना परवाह किए कि मैं कहीं पीपीटी खराब ना हो जाए, पता नहीं लोग मुझे क्या बोले। सर चैलेंज एक्सेप्ट किया आपने और वेंकटेश जी मजा आ गया, लिटरली जय जवान जय किसान सब कुछ। मैं कहता हूँ ट्रेवल फंड कार फंड हाउस फंड वो तो घुस गया हमारे वेस्टिजियंस के दिमाग में, लेकिन एक इंसान को चाहिए क्या, दो वक्त की रोटी, और वो रोटी कौन दिलाता है, वो दिलाता है किसान। पर सर मैं जब जाता हूँ फार्मिंग में तो मुझे तकलीफ इतनी होती है। बहुत सही बात यह है कि आज के डेट में वेस्टीज और ये वो लोग हैं जो जरिया है किसानों के, किसान सर जो मर्जी वो करता है। जब मैं देखता हूँ एक जो एक बैग जिसको 45 किलो का होता है, सरकार बोलती है यूज करने के लिए 1 किलो ये यूज करते हैं, सरकार बोलती है एक बैग का ये यूज करते हैं 4-4 बैग, मतलब मिट्टी पूरी खराब हो चुकी है इनकी सर, फिर भी आज इतनी मारा मारी है। वेस्टीज क्या जो प्रोडक्ट्स हैं ये मसीहा है उनके लिए। और सर सबसे अच्छी बात ये कि वेंकटेश जी और कन्हैयालाल जी की कि इनको नॉलेज इतना है, ये हर बार हेल्प करते हैं, मेरे कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे क्लियर इन्होंने करवाए हैं कि क्या कब क्या देना है कब क्या नहीं देना है। और वेंकटेश जी मैं बिल्कुल मैं फिर से कहूंगा कि बहुत बहुत बधाई, आपने इतना अच्छा बोला। और अच्छी बात यह अगली सर जो कहते ना टीम वर्क देखिए सर, मतलब कि इनकी जो मैसेज रुक नहीं रहते, लोग इनको इतना अप्रिशिएट करे जा रहे हैं कि पूरा गांव उठ के यहाँ पे आ गया और सब बराबर इनको विश कर रहा था, बड़ा अच्छा लगा देख के टीम वर्क मुझे इनके लिए। जी जी। और कन्हैया लाल जी आज मैं पहचान नहीं पा रहा था आपको टाई में और बिल्कुल शर्ट में, आप पूरे सीजन बन गए हैं आज आज जैसे हैं वैसे ही रहिए, बहुत मजा आ रहा है सुन के आप लोगों, आपका नॉलेज बाकी में बहुत मजेदार है, अच्छा है, डीप नॉलेज है, और बस इस तरह आगे बढ़िए। और स्मिता जी ने ऐसा कहा कि ये जो जो यहाँ आके बोल गया, जैसे चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, जिस जो यहाँ आके बोल गया ना उसके लिए स्टेज में बोलना बहुत आसान हो जाएगा सर जी। तो कीप इट अप वेंकटेश जी और कन्हैया लाल जी, बस आगे बढ़ते रहिए, बहुत हमारे बीच में गंगाधर जी करके भी हैं जो चैट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं, दुबई में, दुबई से अभी यहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हुए। तो फिलहाल उनका क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, जस्ट उन्होंने बताया। और एक पूजा माहेश्वरी जी जो है तो एक बार मैं उनको जरा अनम्यूट करता हूं। हेलो। हाँ जी आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सेशन बहुत अच्छा लगा हमें, उनका नॉलेज एकदम ग्राउंड लेवल में नॉलेज है, बहुत अच्छा सेशन था जी। और सर मुझे एक क्वेश्चन भी पूछना था सर से, जैसे कि हम लोग घर के गार्डन में ग्रास होता है तो ग्रास के लिए कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा कि ग्रास हमेशा हरा भरा रहे, बताइए आप दोनों में से कोई भी बताइए। सर ये कितना क्वांटिटी में कैसे यूज करना चाहिए? अब पानी के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं, यदि आप एक टन लेंगे तो फिर 2 ml ये एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक लेना है। अगर 15 लीटर होगी तो 10 ml आपको एग्री 82, 5 ml आपको एग्री ह्यूमिक लेना है। अच्छा ह्यूमिक आधा। 10 ml 5 ml एग्री।
तो कितना लीटर पानी में लेना पड़ेगा ये हमें? 15 लीटर में बोला है। 15 लीटर एक बाल्टी। ओके सर, ठीक है ना? ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जी और हमारे साथ में है हीरेन दादा वाला जी, तो वो एक बार मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। हीरेन भाई आज आप अनम्यूट क्यों नहीं हो रहे? एक काम करता हूँ, अनम्यूट ही नहीं हो रहे आज वो। ऑन करके पूछो। नहीं एक ही मिनट। बाकी लोग भी चले गए। आज हीरेन भाई कुछ अनम्यूट नहीं हो पा रहा। मैं वेंकटेश जी को देखता हूँ दोबारा, सारे लोग चले गए ना। अच्छी वेंकटेश जी, हाँ आप हो रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही है, या तो वो एक ही मिनट तो नहीं अलाल जी, आप भी अनम्यूटेड हैं और साथ में हीरेन भाई। हीरेन भाई आप अवेलेबल हैं? जवाब कैसे दे? नहीं है, नहीं मैसेज के थ्रू दे सकते हैं, अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ शायद हीरेन भाई अभी अवेलेबल है नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। मुझे दिख सेशन के शुरुआत से तो थे वो लगातार। एक ही मिनट देख लेता हूँ, वो शायद है नहीं इसीलिए नहीं हो पाए। हाँ नहीं, फोन वगैरह नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। तो अभी और कोई अगर पूछना चाहता है तो एक बार हम उनको अनम्यूट कर सकते हैं। तो चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। फिलहाल मैं इतना जरूर बोलूंगा कि सेशन बहुत शानदार था और हम लोग को 100% उन्होंने कन्विंस किया। बहुत फील्ड वर्क करके जब ये सारी चीज लेकर के आए, ये लोग जो है सिर्फ बोलने वाले नहीं काम करने वाले लोग हैं। और जी एक आया है मेरे पास वैशाली, वैशाली जी को मैं एक बार अनम्यूट करता हूँ। जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं आपका वैशाली जी, क्योंकि आपको अनम्यूट ही कर देता हूँ। वैशाली एंड सुष्मिता। हेलो गुड मॉर्निंग, वॉइस आ रही है? हाँ जी आ रही है। ओके पहले तो थैंक यू सो मच कि हमें एग्री का नॉलेज मिला। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली जो एग्री में जो खेती होती है में जो बिन जरूरी जो घास आते हैं जिसे गुजराती में निंदड़ बोलते हैं, पता नहीं वहाँ पे क्या बोलते होंगे, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो बिन जरूरी घास है उसके लिए हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करें सर? बिन जरूरी घास गार्बेज वगैरह जो होती है, जो एक्स्ट्रा जो कचरा आ जाता है साइड में, उसको निकालने के लिए क्या यूज करें? जो पाक होता है उसकी पोषण वो ले लेता है, तो उसके लिए वो जो बिन जरूरी निंदड़ घास होता है उसके उसको हटाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट सर? हेलो सर जी, सर अपने पास ये प्रोडक्ट नहीं है और कीटनाशक भी अपने कंपनी में प्रोडक्ट नहीं है जी। ओके सर, तो जो केमिकल है इसलिए अपना कंपनी वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता।
उससे ठीक रहेगा कि आप लेबर लगाकर अगर उसको निकलवाएंगे तो सबसे ठीक रहेगा जी। थैंक यू। तो वैशाली जी क्या है कि ये जरूरी बिन जरूरी घास हटाना हो तो कोई ना कोई केमिकल यूज करना पड़ेगा, और जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्टीज केमिकल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट जो है बनाता ही नहीं है। तो ये जो कन्हैया लाल जी जो बता रहे हैं कि एक आदमी लगा करके उसे क्लीन करा लीजिए तो आपकी जो जो वहाँ की खेती है वो भी सेफ रहेगी और आपका उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अगर उसको हम किसी भी कीटनाशक से लगाएंगे तो वो कीटनाशक कहीं ना कहीं उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकता है सॉइल के अंदर। सर घास को मारने की जी घास को मारने की दवा जो यूज करते हैं मार्केट की वो बहुत पावरफुल होती है सर जी, उसका दूसरी फसल पर पड़ जाता है सर, जिससे उसकी ग्रोथिंग रुक जाती है और दूसरा पौधा जो है वो खराब हो जाता है सर। जी 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 तो अच्छा अगर आप यूज नहीं करें तो लेबर लगा के ठीक रहेगा सर जी। तो आज का सेशन में आपने जो हमें नॉलेज दिया उससे हम लोग सबको बहुत मजा आया, और आगे भी जैसे जैसे आप लोग की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लेते रहेंगे। और मैं कह रहा हूँ बोधन और तेलंगाना बोधन और आपके आदिलाबाद से और लोग भी सामने आए, क्योंकि मुझे पता है बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज है आप लोगों में अंदर, और जो नॉलेज का इफेक्ट वेस्टीज भी हमें देती ही रहती है रिवॉर्ड के फॉर्म में एवरी मंथ, तो वो हम लोग को जब पता लगता है कि भाई आप लोग के पे आउट इतनी अच्छे से बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इवन आपके यहाँ जो एक पर्सन है वो 11-12 महीने में 70-80 हजार रुपए के पे आउट तक भी पहुंच चुके थे, तो यानी कि वो सारी चीज तभी पॉसिबल हो पाती है जब आपके पास पूरा नॉलेज का भंडार हो, खजाना हो और आपने इकट्ठी की हो। तो बाकी लोग भी आए, लैंग्वेज से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, आज वेंकटेश जी ने ये साबित कर दिया। बिल्कुल नॉलेज होती है तो वो कैसे भी करके हम ले सकते हैं, और हम आज एक बार भी वेंकटेश जी की बातों से ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कोई गलत हिंदी बोली या कुछ अलग तरीके से बोला। तो बहुत अच्छा रहा सेशन, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल से एक हमारी एजुकेशनल सीरीज शुरू हो रही है और जिसको सब लोग को जो है आना है और आकर के जो है उसमें जो जो चीज कल के जो हमारे सर हैं मिस्टर मयंक सोनी, तो वो शंखनाद कल से करने वाले हैं, और शंखनाद का पहला भाग कल होगा रात को 9 बजे, और इसके टोटल 5 पार्ट हैं जो कि मैं बता चुका हूँ आपको समय समय पर दिए जाएंगे। बीच में हमारे ये सब दूसरे प्रोग्राम्स भी आते रहेंगे, तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, विश यू वेल सर। सर सारी वेस्टीज फैमिली को थैंक्स सर। थैंक यू, हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।